ये देख लो, जूम ओपन करो। सॉरी, मैं अभी भेज रहा हूँ। आ गया चैट पे। हाँ हियर मी? यस, आई कैन हियर यू, कैन यू? यस। ओके। अच्छा, अब मैंने ये बनाया कैसे, मैं दोबारा बनाऊं? नहीं, समझ आ गया मुझे। ठीक मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट सब्र रखना। क्या हो गया? दैट वॉज द पॉइंट ए। यस। मैंने यहां से एक नॉर्थ की लाइन लगाई, ठीक है? अच्छा, पहले एग्जाम में हमें वर्किंग दिखानी है। हाँ, ये तो बनाना पड़ेगा ना आपको, देख के उसका डी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, कितने डिग्री एंगल है? ए ए का बी, बी ए से कितने डिग्री पे है? 105 डिग्री। 105 डिग्री। तो हमने जो कि एंटी क्लॉकवाइज में करना है, तो 105 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया, ये मेरे पास आ गया पॉइंट बी। आ गया। अच्छा, सेम लाइन मैं यहां से पिक करके इधर ला के इसको इधर अटैच करता हूं। अब ये नॉर्थ बन जाएगा। यहां से मुझे एक और लाइन लगा दी, ये मैंने कॉपी किया, इसको दोबारा किया। कितने डिग्री है? 230 डिग्री। -230। -230। वेरी नाइस। अब मैं जो के इधर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करूँ ना, मैं उसको 230 करता हूँ तो दूसरी तरफ लेके चला जाता है। ये मेरे पास आ गया पॉइंट सी। मेरे लिए अब ये वाली दोनों लाइनें काम की नहीं है, हैं? नहीं, ये मेरी बन गई ट्रायंगल। चलो, अब मैं पॉइंट्स लिखता हूं। ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, और ये आ गया पॉइंट सी। ऐसे ही है। ए का सी का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, और सी का बी का डिस्टेंस है 95 किलोमीटर, बट हमें डायरेक्टली कोई एंगल गिवन नहीं है, है? नहीं। ओके, अब हमें क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए। ये वाली लेंथ है, ये नीड बॉक्स को नहीं, एंगल। बॉक्स को अज्यूम नहीं करना। ओके,
मुझे एग्जाम में मैं कैलकुलेटर से बना मतलब कैलकुलेटर रूलर से बनाऊ ना डी से बनाओ, इससे। डी डी प्रोटेक्टर। अच्छा अच्छा मैं ये क्यों बना रहा हूँ बाय द वे? डिस्टेंस ढूंढने के लिए फाइंड हम्म, द डिस्टेंस। ओके फाइन। डिस्टेंस आई नहीं, एंगल निकालने के लिए। अब मुझे ये बताओ, जी ये जो मेजरमेंट है, जी ये मेजरमेंट इस मेजरमेंट के इक्वल है? उसी तरह अब समझ आई? जी मैंने उसकी लाइंस को साइज छोटा कर दिया ताकि आपको समझ जरा आसानी से आए। ये इतनी सारी लाइंस लगाने का फायदा क्या? हाँ, अगर ये वाली मेजरमेंट हमें, जी ये मेजरमेंट मिलेगी तो ये मेजरमेंट मिल जाएगी। मिलेंगे इसी तरह ये वाली मेजरमेंट हमें मिलेगी तो ये वाली मेजरमेंट भी मिल जाएगी। जी। अच्छा, और अगर ये मेजरमेंट मिलेगी तो ये निकल आएगी, क्या निकलेगी ये वाली एंगल की मेजरमेंट आउटर की। आउटर की नहीं चलो हम वो नहीं करते, हमें ये वाली मेजरमेंट मिल जाए तो हम ये इनर की मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जी इन दोनों को प्लस करके हमें इस एंगल की मेजरमेंट मिल सकती है। ठीक जी हो गया। अब 105, 90 में, 105 में से 90 माइनस करो तो ये मेजरमेंट आएगी। करो, फिफ्टीन ये कितनी आ गई? 15 डिग्री। ठीक है, फिफ्टीन और 15 प्लस 15 करो और नहीं यार, हौसला रखो लड़की, क्या कर रही हो? ये वाली मेजरमेंट आ गई 15 डिग्री, 15 15 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 15 डिग्री है तो फिर ये वाली मेजरमेंट भी 15 डिग्री है जी जी कि नहीं? डबल होगा नहीं, 15 होगा, क्योंकि ये आपका वो आ गया ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जी ये वो हो गया, इक्वल हो गया। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। जी अच्छा, अब 90, 230 में से 180 माइनस करो। वेट वेट वेट, 50, 230 230। ये टोटल एंगल कितना था यहां से? 230 नहीं था इसका, सी का बेरिंग। था तो फिर तो वो 230, अब ये एक जी सिंगल लाइन अगर आप ऊपर से लेकर नीचे आओ तो ये 180 बन गया। 180 में प्लस करो 50 डिग्री तो 230 बनता है। हुआ 50 230 -180 इक्वल्स 50 जी
180 माइनस 230 - 180 इक्वल्स इक्वल्स 50. 50। सर अच्छा वी गॉट 15 माइनस वेट इन वेट व्हाट वेट वेट वेट, हौसला हौसला हौसला। समझ आ रही है कैलकुलेशन इसकी कैसे की है मैंने? अब ये ठीक नहीं आ रही? आ रही है, आसान है. आसान तो तब है ना जब पता हो कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैंने इसकी कैलकुलेशन दिखा दी। अच्छा, और ये 50 डिग्री आ गया। अब मुझे चाहिए इस एंगल की वैल्यू, यही चाहिए। वो फिफ्टीन मैं कैसे निकालूंगा? माइनस 50 अंदर की वैल्यू ढूंढनी है. 90 - 50 इक्वल टू 40। 90 व्हाट? 90 - 50 है ना, 90 में से ये 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है इधर। इधर ये जो लाइन मैंने की है, ये रेड वाली लाइन, ये 90 डिग्री बनता है टोटल मिलके, इन दोनों को मिलाओ तो। किन दोनों को मिलाऊं? ये देखो रेड लाइन नजर आ रही है, जी ये 90 डिग्री है। मुझे ये बाहर वाला एंगल जी मिल गया 50 डिग्री, तो इंटरनल एंगल मैं निकाल सकता हूँ। जी तो मैंने वही किया है, मैंने वो जो वैल्यू ये अंदर बाहर वाली आई है 50 डिग्री की, उसको माइनस किया 90 में से, तो मेरे पास आ गया टोटल अंदर वाला एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। अच्छा, अब जो मेरे पास टोटल ये 40 डिग्री मेजरमेंट आ गई मेरे पास। जी अच्छा, अब मैं करता हूँ एंगल बी, टोटल कितना हुआ फिर? एंगल बी एक मिनट 40 + 15 इक्वल्स 55। इतने ही डिग्री बनता है, जी यही मेजरमेंट कल भी निकली थी। मैं 40 को प्लस किया जो मैं एक मिनट लिख रही हूँ. ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा, लिखने की क्या जरूरत है, देख लेना ओके टू अभी। समझो, अब ये समझ आ गया? फाइव जी. तो हमने बस दोनों जो हमने नई वैल्यूज ढूंढी उनको प्लस कर दिया. हाँ, ओके जी ये समझ आ गया अब। जी ओके, अब ये 15 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री टोटल हो गया। ये साइड 180 डिग्री है, ये 95 डिग्री। अब आप दे सोचो आपके पास कौन सा एंगल है और कौन सा नहीं है। अब दिस इज द इशू, इजंट इट? यस नाउ लॉ ऑफ साइंस अगर हम यूज करते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इट? नहीं कह सकते. नहीं कर सकते ना। नहीं अच्छा, अब मैं ये सारी वर्किंग को यहां से करता हूं दिल्ली, क्लियर? ये भी गई, ठीक है, ये लाइन भी गई, ये लाइन भी गई। मैंने इसकी पूरे की जगह क्या लिख दिया, 55 डिग्री। फाइव डिग्री मैंने इसको भी मिटा दिया, मैंने इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी, और
इसको भी। भाई अब कौन मैंने चली, है? भाई मैंने तो एकदम डिलीट कर दी। नहीं, डिलीट मैंने वो एकदम से इस वजह से नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अब आपको जरा शक्ल नजर आएगी कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। ऐसे ही है। अब हमें कौन सी, उसने पूछा है कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, उसने यही पूछा है, तो ए और बी का डिस्टेंस तो निकालना बड़ा मुश्किल हो गया फिर तो हमारे लिए। क्यों अब हमें क्या करें, हम समझ ही नहीं आ रही। आ रही है, ये लॉ ऑफ साइंस लगेगा, लॉ ऑफ कोसाइंस लगेगा, कौन सा लॉ लगा, क्या लॉ करें, ऑफ साइंस? कैसे? नहीं, लॉ ऑफ कोसाइंस लगेगा। लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा तो उसके लिए जरूरी है कि अगर ये सी एंगल है ये भी गिवन हो, अगर ये नहीं गिवन तो ये साइड गिवन हो। है आपके पास, है या नहीं? क्या है? क्या देखो, अगर है? ये वाला लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए जरूरी है कि जोन सी पर सी साइड गिवन नहीं है तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो नहीं लगा सकते। सेम। मैंने कहा अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते ना। ई नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। एक मिनट जरा होल्ड करो। अच्छा जी परीक्षे, हमें फिर क्या चाहिए, हमें ये हमें सी एंगल निकालना। एंगल सी निकालें, लेकिन कैसे निकालें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो नहीं कर माइनस सकते, टू। वो देखो सिंपल सी बात है, तीनों साइडें गिवन है और ये एंगल निकालना है फिर कर सकते हैं, या एंगल्स गिवन है सारे और दो एंगल गिवन है, तीसरा निकाल के हम साइड निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो साइड है और ये वाले एंगल है, यानी कि कंडीशन इज कि एंगल बी भी गिवन है और उसकी ऑपोजिट साइड बी भी गिवन है। एंगल ए, एंगल ए निकालेंगे पहले, फिर हम एंगल ए को यूज करते हुए फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो एंगल्स, तीसरा एंगल भी आ जाएगा, तीसरा एंगल निकाल सकते हो फिर, निकालो ये जरा एंगल ए लॉ ऑफ साइंस यूज करते हुए, क्या फॉर्मूला है? एंगल ए एंगल ए निकालना है तो साइड आपकी ऑपोजिट उसकी गिवन है, साइड ए, जे 180 माइनस 95। नहीं, क्या फॉर्मूला तो बताया था मैंने आपको, ए एरिया ढूंढने के लिए एरिया नहीं निकालना ना, आपने साइड एंगल निकालना है। ओ मैंने कॉल्ड कैसे निकालोगे? प्लस करके। नहीं, इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉर्मूला लॉ ऑफ साइंस वाला, हमारे पास ये एंगल बी है और ये एंगल साइड बी गिवन है। हमने इधर साइन वाले रूल यूज करना। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू। हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए इक्वल्स बी साइन अल्फा ए
साइन ये बी। लॉ ऑफ साइंस है ना? हाँ, लॉ ऑफ साइंस ही यूज करना पड़ता है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ये यूज करते हुए हमने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब एक ही जगह उसकी वैल्यू आएगी। Yes. एक ही वैल्यू क्या है? मिली नहीं है। है ना, जरा आंखें खोल के देखो ना डायग्राम, मैंने क्या बनाई है। 55 ए की वैल्यू 180 इधर नजर आ रही है स्क्रीन? ए की वैल्यू 95 मैं यही तो कह रहा हूं, आंखें खोल के करो ना, क्या कर रही हो? इक्वल ए की वैल्यू है 95 और बी की वैल्यू और क्या है? बी की वैल्यू है 55 55 है। अब देखो, वी 180 बी की वैल्यू ये है ना, बी एंगल के ऑपोजिट साइड को बी कहेंगे ना, एंगल बी के ऑपोजिट साइड साइड बी हो जाएगी ना। जी बी की वैल्यू 180 है जी तो उसका एंगल क्या है? 55। तो हमें ये एंगल एंगल ए चाहिए। हम माइनस करेंगे क्या कर रही हो? ये शेप नजर आ रहा है आपको जो मैंने लिखा है? जी क्या जी, अगर कैमरा ऑन करो ना, मुझे नजर नहीं आ रही आपकी शक्ल मुबारक। ये हाँ जी, अब बताओ जरा, ये 180 ऐसे ही है? मैंने अपनी जगह पे वैल्यूज मैंने पुट की इक्वल है, का साइन नहीं दिया नहीं है? अब क्या करना है अब क्या करना है? मैंने इस साइन एक मिनट, कंट्रोल के, मैंने इसको लेकर जाना। ओ यार, इनको सेपरेट करना है। हाँ, मैं क्या करूंगा इसको? अच्छा, जी अब क्या करना चाहिए अब? इसको साइन ए को ढूंढना है मुझे ए चाहिए, एंगल ए। जी तो उसके लिए मुझे क्या करना ट्रांस चाहिए? उसके लिए मुझे करना चाहिए इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर लेकर आऊं, इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर लेकर आऊं। हाइपोटेन्यूज और नहीं को नहीं उठा नहीं के गलत गलत काम, गलत सोच में जा रही हो। हाइपोटेन्यूज और वो नहीं लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ऑपोजिट साइड को डिवाइड करना है हाइपोटेन्यूज यार लड़की, हौसला है, मैं भी आपको उसकी पोजीशन बता रहा हूं। नाइनटी फाइव डिवाइड बाय 180 मैं इस 95 इधर देखो, 95 उधर ही रहा, मुझे जी इसको इधर लेकर आना है। ठीक है, अनम्यूट तो चलो करो। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज सुनो, अब आ रही है? अब आ रही है अच्छा, गाना गाया तो आवाज आई इतनी ज्यादा है? कैलकुलेशन ये कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। यही तो मैंने आपको क्या कहा था, इट्स अ ट्रिकी पार्ट। यस मुझे एंगल ए ही चाहिए, ठीक है ना?
इसको मैं कैपिटल करता हूँ ताकि फर्क तो हो ना स्मॉल ए और कैपिटल ए में। मुझे एंगल ए चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, 95 उधर ही रखा मैंने, जी मैं 180 को यहाँ साइन ए की जगह ले गया, साइन ए को 180 की जगह पे ले गया। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज अननोन नंबर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर गिवन नंबर्स। ऐसे ही है। तो आप आपने क्या किया, आपने 55 और फिफ्टी फाइव को दूसरी तरफ लाए। यस, इधर डिवाइड में था, वहां पे दूसरी साइड पे टाइम्स मल्टी टाइम्स पे आ गया। 180 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड पे इधर डिवीजन डिवीजन में था, दूसरी साइड पे। अब मल्टीप्लिकेशन मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका आंसर निकालता हूं। ठीक है, फिफ्टी फाइव साइन टाइम्स 55 95 मल्टीप्लाई बाय 95 ओवर 180, क्या आंसर इक्वल्स आएगा? 29 हाँ, पॉइंट जीरो 29.07 99.07, 29 29। 29। ओके, मैं अब दोनों की जगह ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर रहा हूँ। इसको मैं उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ और इसको मैं उठा के इधर लेकर आ रहा हूं। दूसरी कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? जी मैंने दोनों की जगह रिप्लेस कर दी, ओके कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ओके, आई डिड दैट। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है जी साइन ए की? 29.07 ओके, मुझे सारे का आंसर जो था चाहिए था, अब वो क्या आया? 29.07, यही है। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वेट वेट, हौसला ब्रेक मार के चलो। मेरे पास क्या आंसर आया? 29.07, यही है। परीक्षे परीक्षे बेटा, बी एक्टिव नाउ, इट्स अ क्रिटिकल पार्ट नाउ। हेलो, आर यू देयर? यस सर, आई एम ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने ए के साथ जो साइन लगा हुआ है साइन इनवर्स में लेके जाना है उसको। ठीक है, मैंने इधर साइन हटाया और यहां पे मैं ले गया साइन इनवर्स करना है मुझे। ठीक है, साइन इनवर्स में लिखूं तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? चलो वो मैं लगा देता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस। साइन इनवर्स का फंक्शन यूज करना आता है ना? परिचय, हेलो, जी सर, साइन इनवर्स का फंक्शन यूज करना आता है? हाँ, कैलकुलेटर पर सो कैन यू हियर मी नाउ। सॉरी, शिफ्ट और साइन,
या सेकंड फंक्शन और साइन, वो साइन इनवर्स बन जाएगा। फिर से बोले आप, बिल्कुल याद हो गए थे। मैंने कहा साइन इनवर्स का फंक्शन यूज करना आता है कैलकुलेटर पे, जी उसका करके 29.07 का एंगल निकालो, क्या आ रहा है, कितने डिग्री आ रहा है। कैलकुलेटर शायद क्या करूं, शिफ्ट साइन एंड 29.07 टू गो फॉर साइन इनवर्स। लैपटॉप पे कैसे करूं? ठीक मोबाइल पे कर लो। मैंने कहा मोबाइल पे कर लो। एक और सेशन होगा रात को या बस अभी होगा? दूसरे की हिम्मत नहीं होनी मेरे अंदर। ओके सर, साइन इनवर्स ओके, इनवर्स साइन फिर 29.07 29.07। नहीं आ रहा कुछ भी। फिर आपने कोई कैलकुलेशन में गलती की है ना मुझे बताने में। आप मुझे अपनी दिखाएं, आपने क्या किया? मुझे करने दो, मल्टीप्लाई बाय 95 एंड डिवाइडेड बाय यार 43 डिग्री आता है, 0.4323 होता है। आपने क्या किया, वही तो मैं कहूँ 0.4323। क्या आपके आप कैसे मतलब? मैंने सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज को ऐड किया और कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको लिखा है क्या नॉर्मल लगता है? है। तेरे तो मेरे है ना कुड़िए, ओके जी सर, लिख सर 25.61 यानी कि 26 डिग्री। ओके, ए इक्वल्स 26। अब मुझे चाहिए एंगल सी, ये एंगल सेम रूल अप्लाई होगा। नहीं, 180 माइनस 26 माइनस 55, क्या आंसर आता है। ये मंचन वाच करो या कैलकुलेटर पर? ठीक यार कैलकुलेटर पे करो, 99 डिग्री। सी एंगल आ गया हमारे पास 99 डिग्री, यही है। अब जी फिर हम लगाएंगे जी इस पे लॉ ऑफ साइंस, ए ठीक ओहो सिंपल ए, स्मॉल ए,
अब बी को लॉ ऑफ लेते, साइंस या कोसाइंस? लॉ ऑफ साइंस। जब हम इस पे लॉ ऑफ साइंस अब लगाएंगे तो हमें अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है ट्वेंटी लेकिन आपको तो सिक्स सी चाहिए डिग्री ना, आपको कौन सी साइड चाहिए? आपको सी की वैल्यू है जी तो आप साइंस ही यूज करोगे। ए की वैल्यू है, बी की है, सी की चाहिए। हाँ तो सी ही की निकाल दिए ना। अब आप यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करो। सर आप लैग हो रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा हमें सी की साइड चाहिए तो हमें एंगल भी उसी का यूज करना पड़ेगा। ए की लेंथ क्या क्या? हमें साइड ये चाहिए तो एंगल ये यूज करना पड़ेगा साथ इसके। अब इधर से आइदर ये दोनों यूज कर लो या ये दोनों यूज कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने कहा चलो ए ओवर इसको कर लेते हैं, ठीक है। ए की मेजरमेंट क्या आई है हमारे पास? 95 है, जी और एंगल ए हमारे पास क्या निकले है? 26 डिग्री। ए नाइन्टी फाइव ओवर 26। सी की लेंथ हमें नहीं पता, एंगल हमें पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी? 99। यही था, ये कैलकुलेट किया एंगल सी। परिचय अंडरस्टूड? जी अब इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लोगे कैसे? उसका तरीका वारदात आएगा। इधर आगे करो, ये मैंने लाइन लगा दी ताकि मल्टीप्लाई बाय साइन 99, ओके और यहां से मैंने इनको कर दिया साहब को फारग, और अब मैंने इसको सिंपल कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से। करती मैं साथ क्रॉस चेक करूंगा, ये रिकॉर्डिंग अभी खत्म होने वाला टाइम। साइन 99 डिवाइडेड बाय साइन 26, इसको मल्टीप्लाई करोगे 95 से तो आंसर आएगा 214 किलोमीटर। यहां से आगे पूरे स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग What? यू डोंट हैव टू शो ऑल दी स्टेप्स फ्रॉम देयर। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी दिखा तो दो। आपको क्या आंसर मिला? आपको क्या आंसर मिला? 214। आपको क्या मिला है? ठीक है, सबसे पहले से आपने 95 टाइम्स साइन 99 किया, मैं पहले डिवाइड कर दिया ना दोनों का टाइम आंसर से एक कर तरीके सकते। से, वो भी कर सकते हो। साइन 99 एंड डिवाइडेड बाय साइन 26, तो 214 ही आता है दोनों के, दोनों तरीकों से आ रहा है। सर साइन 26 लिखना। हाँ ये आंसर आया आपका। जी, यही आंसर है।
जी अब समझ आया कैसे किया इस पूरे को? जी आपने जो 95 वाला है ये मुझे फिर से समझाएं यहां पर इसको मैंने उधर ही रहने दिया, जी ये एज इट इज है 95/sin26। इधर जी sin 99 डिवाइड हो रहा था, इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया तो sin 99 मल्टीप्लाई हो गया, जी बस यही किया और कुछ नहीं किया। ओके अब हमें डिस्कस